आप चाहते हो थोड़ा सा हटके डिजाइन और कटिंग हो गई है गलती से सिंपल नेक की, तो भी आप बना सकते हो उस पर बहुत ही डिजाइनर सा ब्लाउज। हाय गाइस, मैं उप्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे सिंपल सी भी नेक की कटिंग कर ली, फिर मेरे को याद आया इसमें मुझे डिजाइनर नेक बनाना है। तो ये देखिए 2.5 इंच में हमने भी शेप कट किया है, 9.5 इसकी लंबाई ली है। आप कम या ज्यादा इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और 7 इंच पे ये हमने शेप दे दिया है। तो ये कुल मिलाकर ये है नॉर्मल सा भी शेप। तो चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर से 3 इंच मेजर करके दोनों साइड डोरी अटैच कर दी है कपड़े और अस्तर के बीच में, और अभी जैसा जैसा शेप है वैसे हम इसकी सिलाई करेंगे। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। ये देखिए हमारी नेक की सिलाई हो गई है, गले को मैंने सिल लिया है और नीचे भी हम सिलाई कर लेंगे इसी तरीके से, और बाद में हमें इसे पलट लेना है। तो हमने इसे नीचे से भी सिल लिया है, और अभी हमें इसके कपड़ों को कट कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं हमें इसमें। तो देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए, और अभी हम बिल्कुल इसे उल्टा कर देंगे, जैसे पलट लेंगे इसे। और पलटने के बाद ये रहा लुक चारों साइड से। आप इस पर सिलाई कर सकते हो या फिर कच्चे सिलाई कर सकते हो हाथों से। और अभी मैं एक पट्टी से डिज़ाइन तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, और इसकी जो चौड़ाई तो 5 इंच हमने ली है, बट इसकी लंबाई जो है हमने 48 यानी 48 इंच लंबाई ली है। और नहीं पुर रहा था तो मैंने यहाँ पर कपड़े को जोड़ भी लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उल्टे साइड से इस पर सिलाई चलाएंगे, और ये हमारी एक बेल्ट या फिर पट्टी जो होती है उस तरीके की ये तैयार हो जाएगी। तो हम इसे सिलेंगे, और सिलकर इसे हमें पलट लेना है किसी चीज़ की हेल्प से, और फाइनली ऐसा तैयार हो जाएगा ये। और इसे डेकोरेट कैसे करना है मैं आपको अभी वो बताती हूँ। तो हमने सिंपल सा जो नेक बनाया है उस पर हम लेस की एक परत लगाएंगे। आपको जो भी लेस पसंद आए उस तरीके की आप लेस लगा सकते हो। लगभग 1 से 1.5 मीटर के करीब आप लेस लेना, क्योंकि हमें 2 लेयर लेस की लगानी है। तो चलिए फटाफट से सिंपल सा लेस पहले लगा लेते हैं। कंटिन्यू देखिएगा, अभी हमारा पट्टियों का हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और कोई भी लेस लगाइएगा तो कॉर्नर पे आप इस तरीके से मशीन को उठा लीजिएगा, मशीन के पैर को लगाए रखिएगा, और इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा तिरछी साइड से, और फिर यहाँ पे कपड़े को घुमा के उसके ऊपर से सिलाई कीजिएगा। तो हमारा कॉर्नर का लुक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होता है। तो इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे इसकी, और ये हमारा हो गया पूरा 1 लेयर। और अभी हमें पट्टियों का कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। तो हम उस पट्टी को ले लेंगे अब यहाँ पे, और उसमें हम छोटी छोटी फ्रिल्स या फिर बड़ी बड़ी जैसी भी आप बनाना चाहो उस तरीके से बना के इस पट्टी को लगभग 12-13 इंच की पट्टी में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें फ्रिल देते जाना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया इसकी स्पीड, और इस तरीके से हमें फ्रिल दे दे के इसे 12 इंच की पट्टी तैयार कर लेनी है। और फिर हम इसे ब्लाउज पे एक साइड में लगाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। हमें पूरे पे लगाने के लिए ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लेना पड़ता है, ये देखिए। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई कर लेंगे, और हमारा पट्टी पूरा तैयार हो जाएगा इस तरीके से फोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड करते करते। तो ये देखिए हमने पूरी पट्टी को तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है, और लुक अभी भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी हम इसे ब्लाउज पे कैसे सेट करें ये देखिए। तो हमने यहाँ पे ब्लाउज ले लिया है, ब्लाउज का बैक वाला पीस, और इसमें हम सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। देखो सेंटर हमने मार्क कर ली, और इस ब्लाउज का भी सेंटर ले लेंगे, और उस डिज़ाइन से 1 इंच नीचे हम इस तरीके से इसे प्लेस करके इस पर सिलाई कर लेंगे। और जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ, आप सभी में से जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलेंगे आपको ढेर सारे रिक्रिएशन एंड नए डिजाइन्स के कपड़ों की स्टिचिंग। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई करनी है, बिल्कुल वी शेप में देते जाना है कॉर्नर पे यहाँ पे, और देखिए
और बहुत ही प्यारा सा लुक लगता है इसे पहनने के बाद, बहुत ही अच्छा सा लुक तैयार हुआ था और आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमने इसकी सिलाई कर ली इस तरीके से पूरी, और इसके बाद हम दूसरा लेस का लेयर लगाएंगे इसके ऊपर से, वही 1 इंच की दूरी पे हम लगाएंगे। आप यहाँ से लगभग ज़्यादा भी दूरी ले सकते हो और कम भी, ये देखिए, और ऐसे करके हम सिलाई करेंगे। और हमने जो वहाँ पे फ्रिल वाली जो पट्टी लगाई है ना, उसको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारी उसकी सिलाई दिखे ना। ये देखिए, ऐसे करके हम इसके ऊपर से कवर करेंगे और इस पर सिलाई करते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे डबल चला दिया है मशीन को, जिससे ये फिक्स हो जाए सही से, और इस तरीके से घुमाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे, ये देखिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझने में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए, हमारा इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखिए हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहिएगा, और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।